गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस हॉर्स रेसिंग टिप्स में आप सभी का स्वागत है। नेशनल और इंटरनेशनल बोथ हॉर्स रेसिंग टिप्स। दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ और रास्ते में वीडियो बना रहा हूँ। तो क्यों बना रहा हूँ ये वीडियो आज आप लोगों के साथ, नए साल में ये दूसरा मौका है मुझे आप लोगों के साथ बात करने का, क्योंकि दोस्तों कल बहुत बड़ा पर्व है और आज भी बहुत स्टेट में बहुत बड़ा पर्व है, बहुत बड़ा क्या बोलते हैं फेस्टिवल है। तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि हमारे देश में संस्कृति और बहुत सारे त्यौहार और बहुत सारी चीज़ें हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है। तो सभी लोगों को इस त्यौहार के मौके पर ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस आप सभी का धन्यवाद करता है और सभी को विशेष देता है कि बेस्ट विशेष ऑलवेज फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस, कि आपका सारा दिन और सारा त्यौहार बहुत अच्छी तरह से बीते। तो दोस्तों, मद्रास की रेस टिप्स स्टार्ट करने से पहले दो मिनट तो आपसे लूँगा ही लूँगा। चलो दो मिनट नहीं, आज एक ही मिनट लूँगा, क्योंकि आज समय बहुत कम है, रास्ते में हूँ। टिप्स तो आपको प्रोवाइड करा ही दूँगा, बट एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से है, सबसे पहले ऊपर वाले का आशीर्वाद रखिए और बड़े बुजुर्गों का साथ रखिए, छोटों से प्यार करिए और सबको खुशियाँ बांटने की कोशिश करिए, और कभी भी ऐसा कुछ ना करिए जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे। और अगर आपको दुनिया में सफल व्यक्ति बनना है, वैसे मैं आपको कुछ भी राय नहीं दे सकता, सफलता की कुंजी मेरी नज़रों में एक ही है कि आपका कोई भी रिएक्शन, सिर्फ रिएक्शन आपका तब होना चाहिए, ओनली आपके ऊपर ही आपका रिएक्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया कुछ भी कहेगी, कहने दो, सबको ऊपर से जाने दो, किसी बात को दिल पे मत लेना, दिल पे मत लगाना। नए साल में यही डिसीजन लेना कि जो करूँगा पॉजिटिव करूँगा, जो सोचूंगा अच्छा सोचूंगा, क्योंकि आप सोचोगे मैं जीतूंगा तो 100% जीतोगे, आप सोचोगे मैं हारूंगा तो 100% हारोगे। आप जैसी सोचोगे वैसी आपको ऊपर वाला रिटर्न देता है, ये सच्चाई है। और कहने को तो बहुत कुछ है, सारी बातें आप लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, लेकिन डिफरेंट खाली एक ही जगह पर है। सब कुछ जानते सुनते पहचानते और समझते हुए भी करना बहुत डिफरेंट है, छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत डिफरेंट है। आप रोज़ सोचते होंगे सुबह 4 बजे उठें और दिन की शुरुआत करें और एंड तक सब कुछ अच्छा हो, लेकिन कभी भी ना आप सुबह 4 बजे उठ पाते हैं और ना पूरा दिन अच्छा होता है। तो जो सोचें उसी पे करिए, वही आपको कामयाबी दिला सकता है। और आप सोच रहे होंगे ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस ये सारी बातें क्यों कर रहा है, कहीं कल उनकी टिप्स तो फेल तो नहीं हो गई? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, हम हमेशा एक पॉजिटिव थिंकिंग सोचते हैं कि मैं जीतूँगा, तो हम आज तक जीतते ही आए हैं। आज 140-135 दिन हो गया और हमारी नज़रों में वी आर 100% सक्सेसफुल, और हमारे सारे लोगों को फिर से मकर संक्रांति की बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, बिंदास रहिए, हंसते रहिए, गाते रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये ज़िंदगी थोड़ी दिन की है दोस्तों, ये बार बार नहीं मिलने की है। क्यों सोचते हैं, क्यों लफड़े में पड़ते हैं, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, आज मैं हार गया, आज मैं जीत गया, कुछ भी नहीं होने वाला है। एंड ऑफ द डे रात को जब सोओगे तो एक ही बात सोचोगे, यार जो हो गया हो गया, कल से अच्छी तैयारी करूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आते हैं पहली रेस, 1100 मीटर, 2 बजे है दोस्तों। बहुत सोच समझ के खेलना देखिए, क्योंकि ये 5th क्लास की रेस है, इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें 2 घोड़े मुझे पसंद आ रहे हैं, 2 या 3 घोड़े पसंद आ रहे हैं। एक तो नंबर 4 पसंद आ रहा है मुझे प्लेस के लिए, जिसमें सी उमेश बैठ के। जल्दी जल्दी वीडियो ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरा स्टेशन भी नज़दीक आने वाला है। और दूसरा घोड़ा मुझे पसंद आ रहा है, वो हॉर्स नंबर 9 अजेरिया, बट इसमें बहुत सारे छुपे घोड़े हैं, तो मैं सारे घोड़े अगर आपको बताऊंगा तो आप कहेंगे सर आपने तो हमें ये बताया था, हमने ये खेल लिया। ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो अच्छा लगे वो खेलना, नहीं तो मत खेलना। सारी रेसेस खेलना ज़रूरी नहीं है, 1-2 सिलेक्टेड बैट खेलो। जैसे मैं हर वीडियो में एक तो डालता ही हूँ आपको, जो कन्फर्म आनी चाहिए, लेकिन ड्रीम टू सक्सेस ओनली सक्सेस कभी किसी को कोई वादा नहीं करता। नो कन्फर्म, नो श्योर शॉट, नथिंग। दुनिया में एक ही चीज़ कन्फर्म है, वो है मौत, बाकी सब कुछ अनकन्फर्म है। रेसिंग में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और हमारा टिप्स का पैकेज ऑलरेडी चल रहा है। और एक बात बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, तो यार प्लीज़ कॉल मत करो, मैसेज करो। ड्रीम टू सक्सेस ओनली रिप्लाई देगा, ज़रूर देगा आपके मैसेज का। बट कई लोगों का ये भी कहना था सर मंथली पैकेज आज से शुरू होगा तो अगले महीने इसी तारीख को जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मंथली पैकेज चाहे आप 1 तारीख से शुरू करो, चाहे आप 10 से करो, चाहे आप 25 से करो, जनवरी एंड में 31 को मंथली पैकेज ख़त्म हो जाएगा, ये बात को नोट कर लो। बस वहीं तक रहेगा, उसके आगे आप मंथली पैकेज नहीं मिलेगा, चाहे आप आज रजिस्टर करो, कल करो, परसों करो, नरसों करो। ओके दोस्तों, सेकेंड रेस पे आते हैं। और हमारा ये पेड टिप्स का पैकेज तो चलते ही रहेगा और हमेशा चलते ही रहेगा।
क्योंकि हमने एक संकल्प ले लिया, हम किसी की बात सुनेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, हम तो बस अपने आप को निहारने में लगे हुए हैं, अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना देंगे जिस दिन हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ना कि अब 100% हम देख के बता सकते हैं ये जीतेगा, तो उस दिन से हम फ्री टिप्स डालना शुरू कर देंगे। थैंक यू। सेकेंड रेस 1100 मीटर 2:30 पे, क्योंकि आज भी हम सीख रहे हैं दोस्तों और आप लोगों से ही सीख रहे हैं, क्योंकि सीखना दुनिया का सबसे बड़ा काम है। अगर आपने ये सीख लिया तो सब कुछ सीख लिया है। दूसरी रेस में मेरे को 3 घोड़े पसंद आ रहे हैं, एक तो 12 नंबर अंकल सैम और दूसरा घोड़ा पसंद आ रहा है मेरे को 5 नंबर हेनरीटा और एक घोड़ा और है वो है हॉर्स नंबर 10, बट इसमें 2-3 घोड़े और हैं। चलो कोई बात नहीं, अब आते हैं थर्ड रेस में। थर्ड रेस में मुझे जो पसंद है दोस्तों वो है हॉर्स नंबर 3 रोका फॉर प्लेस, इसमें भी 2-4 घोड़े हैं। फोर्थ रेस में आते हैं दोस्तों, फोर्थ रेस में जो मुझे पसंद है वो है हॉर्स नंबर 6 मोरेस्को जॉकी ऐसे ग्रे, ये फॉरेन जॉकी आज सबने बैठा हुआ है, कल भी हमारी पूरी टिप्स पास हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और नंबर 7, ये दोनों में से कोई भी आप प्लेस खेल सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है, रेसिंग है, कुछ भी हो सकता है। अब आते हैं फिफ्थ रेस, फिफ्थ रेस में जो मेरी चॉइस है ये कंफर्म बेट मैं आपको दे सकता हूँ, प्लेस तो पक्की होनी चाहिए इसकी, वो है हॉर्स नंबर 4 टर्मिनेटर, ये बोर्ड आउट नहीं होगा, ये कंफर्म फिर भी मैं नहीं बोलता हूँ, बट ये अच्छा घोड़ा है 4। यहाँ पर मैं सियोरिटी आपको थोड़ी सी दे सकता हूँ, इतनी ज़्यादा भी नहीं। अब आते हैं सिक्स रेस 1000 मीटर की 4:30 बजे, इसमें जो मेरी चॉइस है वो है हॉर्स नंबर 9 लेडी रॉयल फॉर प्लेस, और एक घोड़ा है इसमें वो है हॉर्स नंबर 5। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी सियोरिटी नहीं है, बिकॉज सियोरिटी किसी चीज़ की नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी। अब सेवेंथ रेस 1000 मीटर की रेस है दोस्तों, ये रेस बहुत ही डेंजरस है, इसे बहुत ध्यान से खेलना। इसमें जो मेरी चॉइस समझ के आ रही है वो है हॉर्स नंबर 4 जूडी ब्लू आइस, ये कंफर्म, ये भी ठीक है, क्योंकि यहाँ मैं इससे सहमत हूँ कि ये बोर्ड नहीं छोड़ेगा, बट आगे ऊपर वाले की मर्ज़ी है। मेरा स्टेशन आ गया, अब मैं उतर रहा हूँ दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब है और चेन्नई की रेसेस होने का या नहीं होने की भी संभावना नज़र आ रही है। बट हमेशा से आपको एक ही बात कहूँगा दोस्तों कि डोंट वरी, वीडियो के एंड में ज़रूर आपको बताऊँगा कि कौन सा घोड़ा अच्छा है कौन सा नहीं, तो लास्ट में GW हाउस खेल लेना आप। ओके दोस्तों, और मेरी बातों का बुरा मत समझना, क्योंकि नया साल है, नया साल में हमने एक डिसीजन लिया है कि जो भी करेंगे आज से अच्छा ही करेंगे, कभी किसी के दिल को दुख नहीं पहुँचाएंगे और हमेशा किसी पर रिएक्ट नहीं होंगे, कोई कितना भी बुरा करे चाहे कोई कितना भी अच्छा करे, हम तो सिर्फ अपने आप पे रिएक्ट करेंगे और अपने आप को 100% सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करेंगे, और आप सभी के लिए अच्छा सोचेंगे। बेस्ट ऑफ लक, आप सभी खुश रहें, ये हमारी दुआ है। थैंक यू।